मजदूरों की परसेंटेज इसलिए कम है क्योंकि उनके पास कोई जमीन वगैरह नहीं होती, तो उनको कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन से कर्ज देने को तैयार नहीं होती। तो हम यहाँ बात करना चाहते हैं कि किसान का कर्ज माफ कराने के लिए वो होना चाहिए, लेकिन एक बार कर्ज माफ हो जाएगा ये बहुत विशेष सर्कल है, फिर कर्ज मेरे पास चलेंगे, इसलिए उसका पक्का हल होना चाहिए कि किसान के बच्चों की पढ़ाई जो है बिल्कुल मुफ्त में सरकारी इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए, उनके बच्चों को पक्का रोजगार मिलना चाहिए, सरकारी अस्पतालों में इलाज मिलना चाहिए, लेकिन वो तो सब कुछ सरकार ने प्राइवेट कर दिया, इसलिए वो नीतियों को बदलने के लिए हमको एक जुट होकर नीतियों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने अस्पताल प्राइवेट कर दिए, सड़कें प्राइवेट कर दी, पढ़ाई सब हम प्राइवेट कर दिए, तो इसलिए रोजगार लेने के लिए सब कुछ हमको एक इकट्ठा होकर, क्योंकि सत्ता की तब्दीली से हमारा हल नहीं होगा। आज बीजेपी चली जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी, नीतियाँ सेम रहेंगी, पंजाब में कांग्रेस का राज है, सरकार बनने से पहले किसानों के साथ वादा किया था उन्होंने, जो मैनिफेस्टो में लिखा था कि हमारी सरकार है सबका कर्ज माफ होगा, लेकिन साफ नहीं होगा, बात ही नहीं करते इस विषय में, इसलिए सत्ता तब्दीली से हमारा मसला हल नहीं होगा, हमको तो पूरा सिस्टम बदलना होगा। मैडम जी खड़े हो गए, मैं अपनी बात को यही समाप्त करती हूँ, सबको यही संदेश देती हूँ कि हमारे उनको सबको इकट्ठा होकर प्राइवेट कर्ज के खिलाफ इकट्ठा होकर वो जो नीतियाँ बनी है उनका उसको बदलने के लिए इकट्ठा होकर एक बड़ी लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि जितना बड़ा हमारे पर हमला है हमारी उसके मुकाबले में गिनती अभी बहुत छोटी है, किसी के पास